लीजिए। देखिए इसे आप जैसे भी नोट करके रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे सवाल आएंगे, ठीक है। आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको इससे सवाल जरूर देखने को मिलेगी। तो विटामिन करके एक टॉपिक बना लीजिए दोस्तों, और यहाँ पे जैसा जैसा मैं लिखा रहा हूँ आप साफ साफ लिखते जाइए। तो देखिए विटामिन से अगर जो हम बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे पता है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से, ठीक है। तो विटामिन ए दोस्तों, आपको यहाँ पे एक सवाल पूछा जा सकता है कि विटामिन की केमिकल नेम क्या होती है, ठीक है। तो आपको एक सवाल पूछा जा सकता है कि केमिकल नेम क्या होती है, ठीक है। केमिकल नेम यानी कि जितने सारे विटामिन है उसके केमिकल नेम्स क्या होते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको एक और सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पे कि उसकी सोल्युबिलिटी क्या है, यानी कि वो फैट सोल्युबल है ना वाटर सोल्युबल है, इस तरह से भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी आपको पूछा जा सकता है, तो इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको सोल्युबिलिटी पूछा जा सकता है दोस्तों। और एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपको यहाँ पे बार बार पूछा जा रहा है क्या दोस्तों, आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे डिफिशियंसी, यानी कि जो सिंड्रोम होती है, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम आप लिख लेते हैं सिंड्रोम, ठीक है। सिंड्रोम या फिर डिफिशियंसी डिजीज जो होती है उसके बारे में हम यहाँ पे देखिए हमने और जो ये सारी चीजें दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे सारे विटामिन के साथ साथ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला हमारे यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है विटामिन ए है, तो विटामिन ए की मैं यहाँ से इसको थोड़ा आपको एक लिस्ट जैसा बना के दे देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएंगी याद करने में, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से लिस्ट यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए पहला है हमारा विटामिन ए। तो विटामिन ए की जो केमिकल नेम होती है दोस्तों, आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए दोस्तों, इसको रेटिनल कहते हैं या फिर रेटिनोल कहते हैं, ठीक है। तो पहला विटामिन है हमारा विटामिन ए, ठीक है। तो विटामिन ए की केमिकल नेम होती है दोस्तों रेटिनोल, तो इस बात को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। रेटिनोल, RETINOL, रेटिनोल बोलते हैं, या फिर कभी कभी इसे रेटिनल भी बोलते हैं, ठीक है। और 4-कैरोटीनॉइड भी कहते हैं, बीटा कैरोटीन भी कहते हैं, तो बस आप रेटिनोल याद रखिएगा, ठीक है। रेटिनोल आई या फिर रेटिनल आई आप कर लेंगे, ठीक है। तो रेटिनोल, रेटिनोल से आप इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर नहीं आ रही दोस्तों आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RETINOL, ठीक है। तो विटामिन ए की केमिकल नेम रेटिनोल होती है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी के, ठीक है। तो हम साथ साथ पूरे करते जाएंगे दोस्तों, ठीक है। पहले हम केमिकल नेम के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं विटामिन बी। देखिए VIT, मतलब शॉर्टकट होती है विटामिन की। तो विटामिन बी हम यहाँ पे दूसरा नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों। ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा है, ठीक है। तो विटामिन बी जो होती है दोस्तों, विटामिन बी देखिए, विटामिन बी में बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। तो विटामिन बी बहुत ही ज्यादा लंबा जाएगा, और सारे के केमिकल नेम आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ठीक है। तो इसको आप दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट होते हैं दोस्तों। पहला हम यहाँ पे बात कर लेते हैं विटामिन B1 के बारे में। तो विटामिन B1 जो होती है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। तो इस बात को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, THIAMINE, थायमिन कहते हैं, ठीक है। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। विटामिन B2 लिख लेते हैं दोस्तों, विटामिन B2 होती है, जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा, क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हमारा आता है विटामिन B3, ठीक है। विटामिन B3 जो होती है, इसे हम कहते हैं नियासिन, नियासिन कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से दोस्तों और विटामिन बी की, तो विटामिन B3 के बाद दोस्तों आपको विटामिन B5 याद रखनी है, ठीक है। B4 को हम स्किप करते हैं क्योंकि, ठीक है। तो विटामिन B4 जो होती है दोस्तों, इसे हम कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। क्या कहते हैं, पेंटोथेनिक थेनिक एसिड। तो दोस्तों देखिए आप इसको टफ मत सोचिए दोस्तों, क्योंकि आपको लगातार यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो आपको किसी भी हाल में ये याद करके रखने ही पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं इसके बाद आपका आता है विटामिन B6, ठीक है। सॉरी ये B4 नहीं है, ये B5 है, ठीक है। विटामिन B5 था ये, और अब हम लिखेंगे विटामिन B6। तो दोस्तों जो विटामिन B6 होती है, ठीक है, तो B6 को हम पायरोडिक्सिन कहते हैं, या फिर पायरोडिक्सल जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन आप सफिक्स से याद रखिएगा पायरीडिक्सिन, ठीक है। पायरी डॉक्सिन सफिक्स से आप याद रखिएगा, पायरी डॉक्सिन जो होती है दोस्तों, विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं। और विटामिन B7 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विटामिन B7 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे कहा जाता है दोस्तों बायोटिन। आपको एक सवाल में पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन बी आर कॉल्ड बायोटिन, बायोटिन किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे विटामिन B7 को कहते हैं। तो दोस्तों ये थे विटामिन B7 तक। अब दोस्तों हम ये सारे विटामिन तो यहाँ पे लिख लिए हैं, तो अब हम यहाँ पे सोल्युबिलिटी के भी बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी के बारे में हम जब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सोल्युबिलिटी भी हम साथ ही साथ लेते हैं, और जो सिंड्रोम होती है वो भी हमें साथ लेके चलना चाहिए, तो हम साथ साथ वो भी कर लेते हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स, अगर जब हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी के बारे में, तो जो आपकी विटामिन B1 होती है ये आपकी फैट सेल्युबल होती है। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा कि आपको पूछा जाए कि विटामिन ए क्या होती है, तो ये फैट के साथ सेल्युबल होती है। ठीक है, क्या सेल्युबिलिटी है इसकी? फैट सेल्युबल है। ठीक है, फैट सेल्युबल है। और विटामिन बी, तो दोस्तों विटामिन बी जितने सारे हैं ये सारे के सारे आपके क्या है दोस्तों? वाटर सेल्युबल है। इस बात को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, विटामिन बी आपकी वाटर सेल्युबल होती है, विटामिन ए आपकी फैट सेल्युबल होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपकी डिफिशियंसी डिजीज कौन सी होती है। तो विटामिन ए रेटिनोल रेटिनोल होती है दोस्तों, इसकी कमी के कारण आपको यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस होती है। सबसे कॉमन डिजीज के बारे में जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, तो विटामिन बी की डिफिशियंसी के कारण आपको नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी आपको हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन यहाँ पे अपनी B1 की। ठीक है, तो विटामिन B1 होती है, जैसे कि आपको पता है ये वाटर सेल्युबल है। ठीक है, ये सारे दोस्तों वाटर सेल्युबल है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एक ही साथ सबको बता दिया कि ये सारे विटामिन बी जो होते हैं ये वाटर सेल्युबल होते हैं। तो देखिए, विटामिन B1 को जो कि हम थायमिन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, थायमिन जो कहते हैं। तो विटामिन B1 होती है, इसकी अगर जो आपके बॉडी में कमी हो जाए विटामिन B1 की, तो आपको बेरी बेरी जो होती है, ठीक है, ये सिंड्रोम हो जाती है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे डिजीज होते हैं, बट आपको बस यही एक याद रखना है दोस्तों, बेरी बेरी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा विटामिन B1 के सामने यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी, आप इसे एक साथ भी लिख सकते हैं, बट मैंने आपको अच्छे से याद रखने के लिए बेरी बेरी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो बेरी बेरी डिजीज विटामिन B1 की कमी से होती है। विटामिन B2 की कमी से दोस्तों यहाँ पे जब हम बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे ग्लोस्टिसिस होती है, फिर एरिफ्लोविनिस होती है। ठीक है, और एस्टोमेटिस भी होती है। तो देखिए, विटामिन B2 की कमी के कारण जो सिंड्रोम होती है, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल सा है, तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, वैसे मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, विटामिन B3 की कमी के कारण एक डिजीज होता है दोस्तों, जिसका नाम है पेलेग्रा। ठीक है, ये हम विटामिन B3 की लिख रहे हैं, ये पेलेग्रा होती है। ठीक है, तो पेलेग्रा जो डिजीज होती है दोस्तों, और पेलेग्रा जो डिजीज होती है किसके कारण होती है? विटामिन B3 यानी कि नियासिन के कमी के कारण होती है। यह नियासिन के कमी के कारण होती है विटामिन, यानी कि जो पेलेग्रा सिंड्रोम। ठीक है, तो देखिए, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 की। तो देखिए, आपको केमिकल नेम तो दोस्तों किसी भी तरह से आपको सारे विटामिन के केमिकल नेम याद करने ही पड़ेंगे दोस्तों, अगर जो आपको विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन अपने एग्जाम में बनाना है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज को आप स्किप नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, आपको ये करना ही पड़ेगा, कोई चांसेस तो आपके पास नहीं है इसके सिवा। ठीक है, तो देखिए, विटामिन B3 तक हमने कर लिया, अब हम बात करते हैं विटामिन B5 के बारे में। तो देखिए, विटामिन B5 जो होती है दोस्तों, ये भी आपकी वाटर सेल्युबल है, नियासिन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सॉरी, इसे हम क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। और इसके कारण दोस्तों पैरेस्थीसिया हो जाती है। क्या हो जाती है? पैरेस्थीसिया होती है। तो इसकी भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या होती है दोस्तों? पैरेस्थीसिया, पेरिस्थीसिया डिजीज हो जाती है विटामिन B5 की अगर जो कमी आपके बॉडी में हो जाती है तो। अब हम बात करते हैं विटामिन B6 यानी कि पाइरीडॉक्सिन। ठीक है, तो इसके कारण दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ये होता है, इसका नाम एनीमिया। ठीक है, तो विटामिन B6 के कमी के कारण यानी कि पाइरीडॉक्सिन के कारण आपको हो जाता है एनीमिया। एनीमिया डिजीज के बारे में आपको पता होगा दोस्तों कि एनीमिया क्या होता है। ठीक है, एनीमिया जो डिजीज होती है विटामिन B6 के कमी के कारण होती है। और दोस्तों, जितने तरह के डिजीज आपके ह्यूमन बॉडी में होते हैं, वो सारे डिजीज की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वो सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर के सारे वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि लगातार वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये विटामिन बी सिक्स जो होती है पाइरीडॉक्सिन, इसके कारण आपकी एनीमिया डिजीज हो जाती है। ठीक है, विटामिन B6 की हम बायोटिन की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको डिजीज जो होती है दोस्तों डर्मेटिस, ठीक है, डर्मेटिस्टिस जो होती है वो इसके कारण होती है, आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। तो विटामिन BC जो आपकी B7 जो होती है बायोटिन, जिसके कमी के कारण आपको डर्मेटिस्टिस हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, हमने यहाँ पे केमिकल नेम सारे की लिख दी, सारे विटामिन के, यहाँ पे हमने सोल्युबिलिटी लिख दी, और सिंड्रोम, सोल्युबिलिटी याद करना बहुत ही आसान है दोस्तों, इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, और सिंड्रोम यहाँ पे आपको जैसे भी याद करने पड़ेंगे, विटामिन ए विटामिन B1 की तो एटलीस्ट याद ही रखना पड़ेंगे, और जितने मैं लिख रहा हूँ उतना आप याद रखिएगा। ठीक है, उससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं, जिसकी नहीं जरूरत पड़ेगी मैं नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम आगे की विटामिन की। तो दोस्तों, बाकी विटामिन के मैंने आपको यहाँ पे जल्दी से लिख के रख दिया दोस्तों, इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। देखिए, विटामिन B9 बचा हमारा, विटामिन B12 बचा, जो कि आपकी वाटर सेल्युबल होती है, और विटामिन B9 को फ्लोइड्स कहते हैं, सियानोकोबालामिन कहते हैं विटामिन B12 को। तो विटामिन B12 आप जैसे भी याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछी गई है।
अब देखिए हम बात करते हैं इसकी डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो विटामिन B9 के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यानी कि जो बर्थ मेगालोब्लास्टिक जो होती है दोस्तों, ये बर्थ की एक स्टेज है ठीक है, बच्चे की फॉर्मेशन के होने के दौरान, तो ये बर्थ की डिफेक्ट कराती है विटामिन B9। अब हम विटामिन B12 के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, ये आपकी एनीमिया कॉज कराती है। एनीमिया मतलब आप सब अच्छे से जानते हैं ठीक है। तो पर्नीशियस एनीमिया जो होती है ये विटामिन B12 की कमी के कारण होती है, जिसे हम केमिकली साइनोकोबाला अमाइन कहते हैं ठीक है। अमाइन लास्ट में जुड़ा हुआ है ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे विटामिन B6 की। तो विटामिन सी जो होती है ये भी आपकी वाटर सोल्यूबल होती है ठीक है। ये क्या है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन सी जो होती है वो किस, इसकी केमिकल नेम क्या है। तो दोस्तों इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये वाटर सोल्यूबल है और इसकी कमी के कारण एस्कर्वी होती है, जो कि प्रीवियसली आज के एग्जाम के सेकंड शिफ्ट में आपको ये सवाल पूछा गया है ठीक है। तो देखिए विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल कहते हैं, जो कि फैट सोल्यूबल है। तो देखिए तो दोस्तों कुल मिला जुला करके बात यह है कि बस विटामिन बी ठीक है, विटामिन बी पूरे को छोड़ करके बाकी जितने सारे आपकी विटामिन्स है ठीक है, सॉरी विटामिन बी प्लस विटामिन सी, ये दो विटामिन को छोड़ करके दोस्तों जितने सारे आपके विटामिन है सारे के सारे आपके फैट सोल्युबल है, बस विटामिन बी प्लस सी जो है आपकी ये वाटर सोल्युबल होती है। तो सोल्युबिलिटी के क्वेश्चन तो आप आपके आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको क्या कर दिया, ट्रिक बता दिया ठीक है। तो ये ट्रिक आप फॉलो करेगा, विटामिन बी प्लस सी याद रखेगा जो कि आपकी फैट वाटर सोल्युबल है, बाकी सारे फैट सोल्युबल है ठीक है। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, वाटर सोल्युबल है, इसके कारण एस्कर्वी होती है। विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल कहते हैं, ये फैट सोल्युबल है और इसके कारण रिकेट्स और एस्टोमेलेसिया होती है ठीक है। ये विटामिन डी के देखिए ब्रैकेट में हमने विटामिन डी दिया है, क्योंकि दोस्तों हम विटामिन ई की डिफिशियंसी सिंड्रोम नहीं लिखे हैं ठीक है। तो विटामिन ई को केमिकली टोकोफेरॉल कहते हैं, ये भी फैट सोल्युबल है। तो दोस्तों विटामिन ई की और जो डिफिशियंसी डिजीज के बारे में बात करने लिखा तो नहीं, बट इसकी डिफिशियंसी बहुत ही कम होती है ह्यूमन में। बेसिकली इसकी जो बात की जाती है विटामिन ई की दोस्तों, ये आपकी स्टरिलिटी के बारे में बात किया जाता है ठीक है। स्टरिलिटी से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम पूछा जाएगा तो आप विटामिन ई को जरूर टिक करिएगा ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन के को। तो विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं ठीक है, ये फैट सोल्युबल होती है और देखिए जो ब्लीडिंग थेसिस होती है उसमें इसकी डिफिशियंसी यानी कि जो सिंड्रोम झलक देती है ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके विटामिन से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, तो आप जरूर क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करके आइएगा ठीक है। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, ये सारे विटामिन की केमिकल नेम साथ ही साथ सोल्युबिलिटी उसकी और सिंड्रोम जो मैंने आपको बताया जितने सारे बताया बस उतना ही आप पढ़िए, आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन जरूर बनेंगे ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हो बाकी सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए। ये तो इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों जो आपको जैसे भी जाननी थी, अगर जो विटामिन से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आएंगे तो आप जरूर इसे कर लेंगे ठीक है। तो एक सवाल दोस्तों आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री